हेलो एवरीवन, जैसा काफ़ी कैंडिडेट्स बार बार कमेंट्स करके पूछ रहे हैं दोस्तों, यूपी एनएचएम 17,000 का एक लिस्ट जारी हो चुकी है 17,000 की। अब उसके बाद देखिए कट ऑफ क्या रहेगी आपकी, इसके बारे में आपको बता देता हूँ दोस्तों। अगर स्टाफ नर्स की बात करें, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जिसका सिलेक्शन, जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन, देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये आपके पासिंग मार्क्स हैं, ओके। तो देखिए यूआर के कैंडिडेट्स जितने भी हैं 33% तो उनको लेके ही आना पड़ेगा, ये मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में भी बता रखा था। और जो कैंडिडेट्स की कट ऑफ है ओबीसी की, 30% लेके आने पड़ेंगे पासिंग मार्क्स है। और जो इसकी कट ऑफ है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यू आर के ये 62 से 67 के बीच में जिनके नंबर आ रहे हैं दोस्तों, अलग अलग प्रोग्राम है स्टाफ नर्स के, ठीक है। देखिए ई डब्ल्यू एस की जो है 60 से 67 तक रहेगी, और इनको जो पासिंग मार्क्स है दोस्तों एस सी एस टी वालों के लिए स्पेशल, बाकी ई डब्ल्यू एस के लिए तो वो ओ बी सी वाला ही रहेगा, 24% रहेगा लेके ही आने होंगे। और एस सी और एस टी की जो कैटेगरी की जो कट ऑफ है 52 से 57 और 47 से 52 रहेगी, ठीक है। तो दोस्तों सिंपल क्राइटेरिया है इसमें, हमने आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया था। अब बार बार कमेंट्स कर रहे थे, अब देखिए एक प्रोग्राम यानी कि एक डिपार्टमेंट का रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर किया गया था, फार्मासिस्ट एलोपैथिक का, जिसमें काफ़ी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो गए हैं और उसकी कट ऑफ बार बार पूछ रहे हैं। देखिए आपका स्कोर कार्ड जारी हो जाएगा, स्कोर कार्ड जारी होते ही दोस्तों हम आपके लिए ज़रूर प्रोवाइड करवा देंगे। जैसा आप लोग देख रहे हैं ये 17,000 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें वेरियस पोस्ट थी अलग अलग डिपार्टमेंट में, और जो स्टाफ नर्स की पोस्ट थी दोस्तों उनके भी अलग अलग प्रोग्राम वहाँ पर देखने को मिले थे, जो कि हमने आपको बता रखा था। अभी दोस्तों बात है, कमेंट्स कर रहे हैं काफ़ी कैंडिडेट्स कि सर रिजल्ट कब तक। मैंने आपको बोला था कि आपका जो रिजल्ट आएगा वो अलग अलग तरीके से आएगा, जैसे एएनएम का आएगा तो अलग ही आएगा वो, और स्टाफ नर्स का आएगा दोस्तों वो अलग से आएगा, और फार्मासिस्ट का आ चुका है तो, और लैब टेक्नीशियन का भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए स्टाफ नर्स की जो पोस्ट थी दोस्तों अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग पोस्ट देखने को मिली थी। अब डिपेंड करता है दोस्तों कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी पोस्ट थी, उसके अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ। हमने आपको जो बताया दोस्तों ये फिक्स एक्सपेक्टेड ये बताया कि आपके नॉर्मली इतने नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आपका सिंपली वहाँ पर शॉर्टलिस्ट होने के पूरे पूरे चांस आपको देखने को मिल सकते हैं, ओके। तो दोस्तों मैं जो आपको बता रहा हूँ ये आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि दोस्तों जितना भी प्रिडिक्शन हमने लगाया आपके अकॉर्डिंग, जो कैंडिडेट्स जितने ने बताया था तो उसके अकॉर्डिंग हमारा सही रहा था, और उसी हिसाब से आपकी बार भी ये सही रहेगा, पिछली बार जो हमने आपको बताया था। तो देखिए ये सिंपली आपकी वैकेंसी थी, जिस प्रकार से इनको डिवाइड किया गया था कैटेगरी वाइज, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग वैकेंसी थी, जितनी वैकेंसी थी, जैसे कि आरबीएस के ये प्रोग्राम्स हैं, मैटरनल हेल्थ, कम्युनिटी प्रोसेस, और इसमें इतनी इतनी है, स्टाफ नर्स की, लैब टेक्नीशियन की इतनी है, फार्मासिस्ट एलोपैथिक की इतनी थी, तो फार्मासिस्ट की जो सैलरी थी वो भी, वो सब कुछ यहाँ पर अच्छे तरीके से बताया हुआ था, ठीक है। और दोस्तों जो नेक्स्ट बात है, जो अभी फार्मासिस्ट का जो रिजल्ट आया है, अभी शॉर्टलिस्ट जो कैंडिडेट्स हुए हैं तो उसकी कट ऑफ पूछ रहे हैं कैंडिडेट्स, इसके लिए मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया कि आपका दोस्तों इसमें क्या होगा, आपका शॉर्ट जो स्कोर कार्ड है उसकी लिंक एक्टिवेट की जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही लिंक एक्टिवेट की जाएगी तो उसके बारे में हम आपको ज़रूर बता देंगे। बस मैं आपसे यही कहता रहता हूँ दोस्तों कि आप हमारे चैनल पर बने रहें, आपको किसी भी वैकेंसी नर्सिंग की रहेगी उससे, यानी कि एनएचएम का आप जल्दी से सब कुछ रिजल्ट आ जाएगा, तो उसके बारे में सारी जानकारी आपको अच्छे तरीके से मिलती रहेगी, ठीक है। मेरा आपसे यही कहना था, आप हमारे चैनल पर बने रहें, क्योंकि दोस्तों जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको अब तक पूरी जानकारी मिलती रही है। अब देखिए एनसीडी, इसमें बहुत सारी वैकेंसियाँ थी, अब इसमें जो इंस्ट्रक्शन थे दोस्तों ये मैंने आपको अच्छे से बता रखे थे, ये रहे आपके पासिंग मार्क्स जनरल के लिए और ओबीसी के लिए और एससी एसटी वालों के लिए, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया था, ठीक है। बस आप वैकेंसी का ध्यान रखिएगा दोस्तों, अलग अलग प्रोग्राम में काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे हैं दोस्तों जिन्होंने दो दो तीन तीन प्रोग्राम में फॉर्म लगाए हैं, वो सोचते हैं कि किसी ना किसी में सिलेक्शन हो जाएगा, तो अच्छी बात है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोगों से मेरा यही कहना है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, बाकी हमारे चैनल पर बने रहें क्योंकि सारी अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी, ठीक है साथियों। अगर आपको क्योरी या कन्फ्यूज़न है तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको जवाब दे दिया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो को लाइक करेंगे आप और शेयर करेंगे, धन्यवाद।